राजस्थान के जयपुर में जीका वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। बुधवार को जीका से संक्रमितों की तादाद बढ़कर 100 हो गई। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है। बुधवार को केंद्र ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक टीम वहां भेजी ताकि रोग पर नियंत्रण के उपायों में तेजी लाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि प्रभावित 100 लोगों में 23 गर्भवती महिलाएं हैं। मच्छरों को मारने के लिए उपयोग में लाए जा रहे कीटनाशकों को बदलने के लिए ICMR ने विशेषज्ञों की एक टीम जयपुर पहुंची है। जीका, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छरों के कारण फैलते हैं। घनी आबादी वाले शास्त्री नगर और सिंधी कैंप में नमूने के तौर पर लिए गए कुछ मच्छरों में जीका वायरस मिले हैं। जयपुर में जीका का असर इन्हीं इलाकों में देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण को रोजाना आधार पर मामलों की निगरानी करने का निर्देश दिया और लोगों से नहीं घबराने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जीका वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कदमों की समीक्षा के खातिर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। हालांकि राहत की बात यह है कि जीका संक्रमण से पीड़ित मरीजों में से उपचार के बाद अधिकतर मरीजों का स्वास्थ्य ठीक है। राजपूत हॉस्टल के 84 छात्रों के खून और पेशाब के नमूने जांच के लिए लिए गए थे। उनमें से 14 छात्रों को इलाज के लिए अलग वार्ड में भेजा गया है। जयपुर में जीका संक्रमण के अधिकतर मामले शास्त्री नगर इलाके में पाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में लगातार फॉगिंग और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लार्वा को नष्ट करने के उपाय किए जा रहे हैं। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।